अभी अपना अरुणाचल गवर्नमेंट ये पास कर दिया कि कहता उसको फाइव देना है, 5% और 10% जो भी लोन देगा तो उसको 5 लाख और इसके बाद ये में 5 साल जेल। अरे हम लोग तो देने वाला है, किसी को मदद कर रहा है तो उसी को ऊपर में केस करेगा। अभी लेने वाला को क्या किया जाए, उसके लिए भी तो कुछ पास करना चाहिए। लेने वाला हम लोग को क्या करना चाहिए, उन लोग के लिए भी कर देना चाहिए। क्यों हम लोग को देने वाला लोग को हम लोग को उल्टा जेल लगाया और फाइन इम्पोज किया, ये तो गलत है। तो इस विषय में हम लोग ये चाहता है कि वो ये जो बिल पास किया है उसको रिव्यू करना चाहिए, यही अपील है। मतलब इसको हम लोग नहीं मानता है ना, तो हम लोग का मांग है कि ये रूल जो है कि नहीं होना चाहिए। आपके साथ पहले कभी डिस्कस किया है कि बिल लाने से पहले कोई भी मेंबर, क्योंकि 60 MLA आप लोग भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा, जब अदर 16 को हम लोग को पता चला, 16 को हम लोग डिस्कस कर रहे, अरे ये कैसे हो गया, देने वाला को फाइन, इसी से हम लोग को थोड़ा तकलीफ है। बाकी कुछ हम लोग का ये नहीं है, परसेंटेज हम लोग आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, नहीं हुआ करने से। अभी हम लोग चाहता है कि करना चाहिए, तो इसी विषय में परसेंटेज का रेट भी हम लोग साथ में बैठ के फिक्स करने से अच्छा है, और हम लोग को भी लाइसेंस दो, हम लोग भी रेडी है लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा, ये आप लोग जो हम लोग का ग्रुप अलग अलग होता है, जैसे हम लोग का दीदी बहन ग्रुप हो जाता है, जैसे भाभी और ननद का ग्रुप हो जाता है, जैसे एक सोसाइटी का ग्रुप हो जाता है, तो इसलिए उसमें जो अर्पण का भी एक ये होता है सोसाइटी बनाता है, तो उसी का अलग अलग रेट रखता है। जैसे अर्पण का हम लोग का 5 में हम लोग कम देता है, 3% 5%, तो इस तरह का हम अलग अलग रखा है। जैसे बिजनेसमैन, जैसे वो आपका वो आता है कि टेंडर उंडर, उन लोग को थोड़ा हम लोग 10% चार्ज करता है, क्योंकि हम लोग गरीब लोग इसको जमा किया, 1-2 रुपया करके जमा करके रखा है कि किस लिए रखा है, तो ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, उसी समय 30-40 ईयर्स से हम लोग इसको जमा करके तब जाके आज लाख करोड़ बन रहा है। तो उसी हिसाब से अगर बिजनेसमैन आएगा तो हम लोग 10% ये करता है, चार्ज करता है। और हाँ, मेडिकल पर्सन लोग हम लोग 3% 4%, तो इसी तरह रख देता है। हाँ, ये बात तो हम लोग सहमत है, इस बात को सहमत है। सरकार अगर हम लोग को बोलेगा कि आप लोग मनी लेंडिंग करता है तो आप लोग रजिस्टर करो, तो वी आर रेडी, मैं रेडी हूँ, सब रेडी है। हम लोग भी यही चाहता है कि हम लोग भी रिकॉग्नाइज हो और सरकार को भी 2 पैसा मिले, तो हम उसी में विलिंग है। रजिस्टर सिस्टम कब से है तो हम अभी से रेडी कर रहे हैं कि अभी से जाऊँ, हम फॉर्म लो और ये करो, हो गया सो हो गया। मैं भी अभी ये बोलती हूँ 10% इज टू हाई, बहुत हाई है, मैं मानता हूँ। तो इस चीज को भी हम लोग को गवर्नमेंट एक बार डिसीजन देना है, उन लोग का साथ हम लोग को बुलाना है। अभी हम लोग ओल्ड और नचिल बोल के अभी हेल्पिंग हैंड क्लब खुल गया ना, हेल्पिंग हैंड वुमेन ग्रुप बोल के अभी हर एक ग्रुप आ रहा है, तो आज तक का हम लोग का टोटल आया है फंडिंग रानी अंडर कैपिटल 158 फंड आज तक का रिपोर्ट, जो फंड चलाने वाला लोग हर एक घर घर में अभी फंड चला रहे, इंक्वायरी किया है तो ना हर एक घर में ही चला रहा है, तो उसी से कोई अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, कोई एजुकेशन फंड बोल के रखा है, चाइल्ड फंड बोल के रखा है, मेडिकल ग्रांट फंड, हर एक सोसाइटी में फंड रख के चला रहा है। इसलिए ये रुपया से आप लोग सब हम लोग सुविधा है, कोई नौकरी में इतना नहीं, किसी को तंग नहीं है, मिनिस्टर का घर में तंग नहीं, नौकरी नहीं मांग देता है, तो आज इस चीज अच्छा चीज को बैन करने का बाद में क्या से जिएगा।